बिग बॉस सीजन 11 के इस कंटेस्टेंट ने ग्लैमर वर्ल्ड से अपना रुख मोड़ लिया है। वेल, आखिरकार हमेशा हमेशा के लिए अलविदा किस तरह से कहा है बिग बॉस सीजन 11 के इस कंटेस्टेंट ने, चलिए पूरी अपडेट बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए, मरला सृष्टि के नाम से मौजूद हूँ। वेल, आपको बता दूँ कि आजकल हिजाब को लेकर मुस्लिम में बहुत ही ज़्यादा ये चर्चाएँ चल रही है कि हर औरत को हिजाब में रहना चाहिए, जहाँ की कुछ मुस्लिम औरतें भी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं और इस बात में हामी भी भर रही है। वेल, इस बात को फॉलो करते हुए अब सारा खान से इंस्पायर होकर बिग बॉस सीजन 11 की इस कंटेस्टेंट ने अपने ग्लैमर वर्ल्ड से अपने आप का रुख मोड़ लिया है। जी हाँ, आपको बता दूँ बिग बॉस सीजन 11 में ये कंटेस्टेंट एज अ कॉमनर बनकर आई तो थी, लेकिन बिग बॉस सीजन 11 में कुछ ऐसा कमाल धमाल नहीं किया था। लेकिन इसके बाद से ही, जैसे ही बिग बॉस सीजन 11 से वो बाहर निकली, तो उनके फैशन सेंस को लेकर और फैशन तरीके को लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुई। लेकिन हाँ, वो अपने फैशन लुक से काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं में भी आ गई। वेल, इनका नाम है महज़बी सिद्दीकी। जी हाँ, महज़बी सिद्दीकी ने अपने फैशन सेंस से लोगों का अट्रैक्शन ले लिया था, जहाँ की अब वो ग्लैमर वर्ल्ड से अब अलविदा भी कह चुकी हैं। वेल, आपको बता दूं कि मैं जब सिद्दीकी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, जहाँ की वो सना खान से इंस्पायर होकर हमेशा के लिए अब हिजाब में जा चुकी हैं। जी हाँ, उन्होंने इस ग्लैमर वर्ल्ड को अलविदा कह दिया है और वो हमेशा कहती अब नजर आ रही है कि वो अब से और अभी से इसी वक्त से हमेशा के लिए हिजाब में ही रहेंगी। वो हिजाब से बाहर नहीं आएंगी, मतलब कि हिजाब बिना हिजाब पहने किसी के सामने नहीं आएंगी। इट मीन्स कि उन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड से टाटा बाय बाय कर दिया है। वेल, आखिरकार सना खान से इंस्पायर होते हुए महज़ब सिद्दीकी के इस स्टेप के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।